गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं इवनिंग में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। आज शाम आपके पर्सन आपके बारे में किससे और क्या बातें कर रहे हैं ये भी देखने की कोशिश करेंगे और किस एनर्जी में हैं। ओके व्यूअर्स, तो आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है आज शाम आपका पर्सन किससे और क्या बातें कर रहा है आपके बारे में और इस पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। ओके, तो ये रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है क्योंकि कार्ड्स बहुत इंटरेस्टिंग आ रही हैं। ओके, जब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ आपके लिए, आपको बता दूँ ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी जोडियक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ओके, हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं फोर ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वांड्स, टू ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन, टू ऑफ वांड्स एंड थ्री ऑफ कप्स। ओके, और साइन है मकर, शुभ कन्या, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, मेष, सिंह, धनु, एरिस, लियो, सजिटेरियस, मीनिका, वृश्चिक, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ओके व्यूअर्स, ये आपके साइन या फिर आपके पर्सन के साइन हो सकते हैं और यहाँ पर जो नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं वो है एक नंबर, चार नंबर, दो नंबर, तीन नंबर। व्यूअर्स, तो ये नंबर्स आपकी या फिर आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं, डेट ऑफ मंथ हो सकते हैं या फिर कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी लेकर आ सकते हैं। इन डेट्स में मंथ्स में आपके जीवन में प्यार आने वाला है, ऐसा भी नज़र आ रहा है। आपका पर्सन इन डेट्स में मंथ्स में आपको मिला हुआ हो सकता है, यानी कि आप दोनों इन डेट्स में मंथ्स में अपने पर्सन से मिले थे। ओके व्यूअर्स, तो ऐसा लग रहा है कि इन डेट्स में मंथ्स में या तो कुछ ऐसा घटित हो चुका है आपके जीवन में जो आपके जीवन को बदल चुका है और या फिर आपका जीवन इन डेट्स में मंथ्स में बदलने वाला है। कुछ तो ऐसा घटित हो सकता है जो आपके जीवन में बहुत सारा प्यार लेकर आ सकता है, हैप्पीनेस और खुशियाँ आपके जीवन में इन डेट्स में मंथ्स में आती हुई नज़र आ रही हैं। ओके, तो आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ कि ऐसा क्या हुआ था आपके जीवन में या फिर क्या हो रहा है ऐसा जो आप मुझे बताना चाहेंगे, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके व्यूअर्स, तो अब बात कर लेते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स की आपके लिए आज शाम क्या हैं। तो यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जीज नज़र आ रही हैं जो इंसान थोड़ा सा कंजूस है, जो रुपये पैसे को तो संभाल कर रखता ही है, रिश्तों को बनाकर भी रखता है और जो इंसान लगातार आपके बारे में सोच भी रहा है और आज शाम भी ये पर्सन आपके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। इस पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स नज़र आ रही हैं। ये इंसान आपका सोलमेट है, ऐसा इस पर्सन को लग रहा है। आप भी इस पर्सन से मिलकर बहुत खुश हुए हैं या फिर खुश हो सकते हैं जब ये पर्सन अपने प्यार का इजहार आपसे करेगा, क्योंकि यहाँ पर यह पर्सन आपके जीवन में प्यार लेकर आने वाला है। आप देख भी सकते हैं यहाँ पर फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, पेज ऑफ वांड्स का कार्ड है और टू ऑफ कप्स का कार्ड है। इन तीनों ही कार्ड्स को अगर हम मिलाकर देखें तो ये एक ऐसा इंसान है जिसके जीवन में रुपये पैसे की कोई कमी नहीं है। इस पर्सन को रिसेंटली ही किसी प्रॉपर्टी में जो इस पर्सन ने इन्वेस्ट किया था वहाँ से बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला है और इस पर्सन के जीवन में किसी भी चीज़ की यानी कि किसी भी सुख सुविधा की कमी नहीं है। ये पर्सन थोड़े से मोटे हो सकते हैं, एवरेज हाइट होगी इस पर्सन की, इस पर्सन का रंग फेयर होगा और ये पर्सन दिखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते होंगे। इस पर्सन पर हर कलर बहुत ज़्यादा जचता होगा, यानी कि ये पर्सन का ड्रेसिंग सेंस अच्छा हो सकता है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा चार्मिंग पर्सनालिटी है। इस पर्सन की पॉजिटिव ऑरा को देखकर हर कोई इस पर्सन को पाने की ख्वाहिश रखता है। तो ये पर्सन यंग एज में है और इस वक्त दुनिया जीत लेने का जज्बा इस पर्सन में है और जब इस पर्सन की नज़र आप पर ठहर गई है, इस पर्सन को आपसे प्यार होने लगा है, तो ये पर्सन देर नहीं करेगा आपको प्रपोज करने में कि एक ऐसा ही इंसान है जो आपके जीवन में रिसेंटली या तो एंटर हो चुका है या फिर ये पर्सन बहुत जल्द आपके जीवन में एंट्री लेने वाला है, आपको अपना प्यार ऑफर करने वाला है। तो यहाँ पर ये तीनों ही कार्ड इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आपके जीवन में कोई पर्सन है जो प्यार लेकर आने वाला है। पर हाँ, ये पर्सन इससे पहले बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, ओवरथिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं और अपने फ्रेंड से इसके बारे में बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप इस पर्सन को पसंद हैं, ये पर्सन आपको प्रपोज़ करे तो कब प्रपोज़ करे, कौन सा राइट वक्त होगा जब आप इस पर्सन की प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करेंगे, डिनाई नहीं करेंगे। तो ये पर्सन इस सोच विचार में ढका हुआ है और यहाँ पर द हैंग मैन का कार्ड इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि आपका पर्सन सोच विचार कर रहा है और इस पर्सन को बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं
जिनमें क्लैरिटी चाहिए। ये पर्सन अपने फ्रेंड से बातें कर रहा है आपके बारे में। आज शाम इस पर्सन ने बहुत सारी बातें की हैं आपके बारे में, और अक्सर ही ये पर्सन अपने फ्रेंड से आपके बारे में बातें करते हैं, पर आपसे बात करने का मौका ये पर्सन अब चाहता है, ताकि आपसे बात करने का मौका इस पर्सन को मिले और ये पर्सन अपना हाल दिल आपको सुनाए। तो ये पर्सन एक मौका चाहता है और इसीलिए ये पर्सन अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेता हुआ नज़र आ रहा है। आज शाम इस पर्सन ने अपने फ्रेंड से आपके बारे में जो बातें की हैं वो इसी के बारे में की हैं कि एक मुलाकात चाहिए इस पर्सन को आपसे, आपका वक्त चाहिए इस पर्सन को। अब ये पर्सन और इंतज़ार नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर बहुत हो गया वेटिंग गेम। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अब ये वेटिंग गेम ओवर होना चाहिए, क्योंकि अब ये पर्सन और आपके बिना नहीं रहना चाहता। आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता है ये पर्सन, आपके करीब आना चाहता है, आपको अपना प्यार ऑफर करना चाहता है। आपको ये पर्सन बहुत जल्द प्रपोज कर सकता है। एक ऐसी एनर्जीज यहाँ पर नज़र आ रही हैं, एक ऐसे ही इंसान की एनर्जीज हैं ये, जिसके दिल में आपके लिए प्यार है, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, जो यहाँ पर क्लियर नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन आपके साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता है, ये चीज़ भी नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर टू ऑफ वांड्स के साथ साथ थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है। ये पर्सन अगर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है भी, या फिर रिसेंटली इस पर्सन का किसी से ब्रेकअप हुआ है, तो ये पर्सन उस ब्रेकअप के दर्द को ख़त्म करने के लिए और एक नई शुरुआत करने के लिए आपके क्लोज आना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है। ये पर्सन बहुत टाइम से सोच विचार में लगा था कि ये पर्सन आपको प्रपोज करेगा, पर कब करेगा, वो दिन कौन सा होगा जब ये पर्सन आपसे क्लियर बात कर सकेगा, अपने हाल दिल आपको बता सकेगा। तो ये पर्सन इंतज़ार कर रहे थे, और आज शाम भी इस पर्सन ने अपने फ्रेंड से यही बातें की हैं, क्योंकि यहाँ पर ये इंतज़ार ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलकर आपके जीवन में एंटर होने की सोच रहा है, क्योंकि जब से आपको इस पर्सन ने देखा है ना, मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन के दिल की बेकरारी और भी ज़्यादा बढ़ गई है। इस पर्सन को आपके जैसा इंसान चाहिए, या तो ये पर्सन ना आपको बहुत टाइम से स्टॉक कर रहा है, आप पर नज़र बनाए हुए था। अब इस पर्सन को मौका मिला है आपसे बात करने का, इस पर्सन को कहीं से ये बात पता चली है कि आपका दिल भी किसी ने तोड़ा है। तो जब से इस पर्सन को ऐसा लगा है कि आप भी सिंगल हैं, ये पर्सन भी अब सिंगल हो चुका है, इसलिए भी अब इस पर्सन को इस रिश्ते में होप्स नज़र आने लगी हैं। अब इस पर्सन को ये यकीन होने लगा है कि आप इस पर्सन के प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लेंगे, ठुकराएंगे नहीं। तो ये पर्सन अब प्लान कर रहा है, और आपको ये पर्सन किसी पार्टी में मिल सकता है, जहाँ पर ऐसा लग रहा है आप दोनों काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं उस पार्टी को। बहुत जल्द ये पर्सन या तो आपके लिए कोई पार्टी अरेंज करने वाला है, या फिर आपको कोई इन्विटेशन मिलेगा कहीं से, वहाँ पर ये पर्सन आपको मिलेगा। ऐसा लग रहा है आप दोनों की जो मुलाकात होगी ना, किसी पार्टी के दौरान हो सकती है, किसी समारोह में होती हुई नज़र आ रही है। आप दोनों काफ़ी इंजॉय करते हुए नज़र भी आ रहे हैं, और वहीं पर ये पर्सन आपको अपना हाल दिल शेयर करेगा। ओके बस, तो आज शाम इस पर्सन ने अपने फ्रेंड से मिलकर काफ़ी सारी बातें की हैं आपके बारे में, और अपना हाल दिल बताया है, और इस पर्सन ने जो प्लान किया है वो प्लानिंग बहुत जल्द रिवील होंगी, और जो कुछ भी है बहुत जल्द आपके सामने आ ही जाएगा। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके व्यूअर्स, मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।